एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम फिर से चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को। देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। गाइस, जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड गाइस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। एंड वन मोर थिंग, मैं कार्ड्स अपराइट ही लेती हूँ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। इस बार करंटली वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हुआ गाइस तो डेली का एक वीडियो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पे होगा। रोज हम आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करेंगे। सो लेके प्रभु का नाम, आप अपने पार्टनर को सोचें, उनका ध्यान करें। पहले सबसे पहले राम जी का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें कि भगवान जी हमें गाइड करें कि आपके जो पार्टनर हैं उनके फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, हम क्लियरली पता कर सकें। सो राम जी, इनके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इनको लेके। जय सिया राम। ओके, फर्स्ट कार्ड ही आ गया, द थिंकिंग मैन। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चालू है यहाँ पे। बस आप ही का ध्यान है, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस आप दिख रहे हो, हर जगह आप दिख रहे हो। यहाँ पे देखो, ये इस इंसान के हाथ में क्या है, एक क्रिस्टल है, बट इस क्रिस्टल में भी ये इंसान आप ही को खोज रहा है, समझ रहे हो? एक सेकेंड, क्लियर। यहाँ पे देखो, क्रिस्टल है, बट ये इंसान इस क्रिस्टल में भी आप ही को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ओवर थिंकिंग चालू है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं आपको लेके। गाइस, लाइट चली गई, बट ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है ना, बस यही तो एक बेनिफिट है दिन में वीडियो बनाने का। चलिए नेक्स्ट। वाव, दिसन, ओके, मुझे इसको क्लैरिफाई करना है। ये तो मुझे पता लग गया कि हाँ, एनर्जी तो पॉजिटिव है, बट किस वे में, अभी देखते हैं। ये जो दिसन आया है, राम जी इसको क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूवर्स की फील, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, ओके ओके जी, जो मेरे व्यूवर्स हैं, खुश हो जाइए, खुश हो सकते हैं आप। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से कमिटमेंट, देन यस, आपको बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से कमिटमेंट मिलने जा रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस के साथ ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं। मतलब सॉरी, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं स्ट्रोंगली एक फीलिंग आई है कि आप जन्म जन्म के साथी हैं इनके, ठीक है? और अभी आपको खो नहीं सकते, इनको आपकी तरफ बढ़ना है, आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। और आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको अपना काउंटर पार्ट भी देखते हैं। हो सकता है आप एक दूसरे के सोलमेट हैं और इनको आपसे एक सोल कनेक्शन फील होता है। इनको ऐसा फील हो अभी तक किसी और के साथ नहीं हुआ, मतलब आपसे एक ये अलग, एक यूनिक कनेक्शन फील करते हैं जहाँ इनकी सोल आपसे कनेक्ट हुई है। अगर इनके पास्ट में अगर अफेयर्स रहे हैं या किसी और लोगों से भी ये कनेक्ट हुए हैं, बट उनसे ये सोल टू सोल कनेक्ट नहीं हो पाए। वो फीलिंग्स जो आपने इनको दी है, वो फीलिंग्स अभी तक इन्होंने किसी से इनको नहीं मिली है। सो ये बहुत ही अलग फील करते हैं आपको लेके। इनकी फीलिंग्स आप ये मान के चलो कि मतलब जब ये आपके साथ होते हैं ना, तो इनको फिर कुछ नहीं चाहिए। सो हो सकता है ये आपके सोलमेट हो, स्ट्रैटेजी, ओके स्ट्रैटेजी। सो हो सकता है, अगर जो मेरे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट जोन में है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं आपको एक बात बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, ठीक है? स्ट्रैटेजी कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए, कि किस तरीके से ये आपको अप्रोच करे, किस तरीके से ये आपको अपनी लाइफ में बैक लेके। इनको बस आप चाहिए, ठीक है? ये अभी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, अभी क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है ये भी क्लैरिफाई कर लेते हैं राम जी।
ये क्या प्लान कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या ओके 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 ये कार्ड पॉप अप हुआ है, ठीक है, बट मत टेक, डेफिनेटली डेफिनेटली अगेन सन, क्या बोलूँ, चलो मैं बोलती हूँ, अभी मेरे को कुछ दिखा है, मैं बोलती हूँ अभी क्या है मेरे व्यूवर्स आपके, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी, अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी रही है, नो मैटर थर्ड पार्टी इनका करियर था, पेरेंट्स से फैमिली थी, जॉब था, व्हाटएवर, या कोई थर्ड पर्सन था, बट जो भी ये थर्ड पार्टी थी, अभी ये स्ट्रेटजी कर रहे हैं कि किस तरीके से इस थर्ड पार्टी को कट करके ये इस प्रिंसेस, इस एम्प्रेस के पास आए, आपके पास जो मेरे व्यूअर हैं, आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं और ये स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से ये थर्ड पार्टी जो भी अभी रोड़े अटका रही थी आप दोनों के कनेक्शन के बीच, जिनको पसंद नहीं आप दोनों का एक साथ होना, सो उनको कैसे कटआउट किया जाए अपनी लाइफ से और आपकी तरफ बढ़ा जाए, ऐसा कुछ प्लानिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो एक लास्ट कार्ड और देख लेते हैं, सो पॉजिटिव एनर्जी आई है, ये अपने आप की राय यही लूंगी मैं, द गार्डन एंड द गेट, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक सेवंथ चक्रा आर्कएंजल यूरियन, ठीक है। सो आपके पार्टनर को साइंस मिलने लगे हैं गाइस, यूनिवर्स उनको साइंस दे रहे हैं इस कनेक्शन को समझने के लिए, तभी इनको फील हुआ था यहाँ पे, जब हमने इसको क्लैरिफाई किया था तब यहाँ पे इनको फील हुआ था कि आप इनके सोलमेट हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं इनको साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो कि इनको बता रहे हैं कि आप इनके लिए कितने ख़ास हैं, ये कनेक्शन क्या है, आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है ये कैसा है, और सो ऐसा जो ये कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको साइंस दे रहे हैं, ये इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी इनको रिपीटिंग नंबर दिख रहे हैं, मे बी कहीं ना कहीं इनको आपका नाम सुनाई दे रहा है, कुछ सॉन्ग्स इनको रिमाइंड करवा रहे हैं आपके लिए, सो सिंक्रोनिसिटी इनको हो सकती है, सो रिपीटिंग नंबर या कुछ ना कुछ इन रिपीटिंग इनकी लाइफ में हो रहा है, सॉरी एक सेकेंड का इसी कैमरा थोड़ा सा साइड में कर दूँ मैं, सो यूनिवर्स इनको साइंस दे रही है और आपके पार्टनर, बहुत अच्छी बात है, इन साइंस को पिकअप भी कर रहे हैं, ठीक है, इनको साइंस मिल रहे हैं और ये इन पे ध्यान भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि हाँ जो आप हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे और आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके लिए ऐसा फील करने लगे हैं कि हाँ आपके साथ जो कनेक्शन है ये कुछ अलग है, कुछ ये कोई भगवान का दिया हुआ एक ब्लेसिंग या एक गिफ्ट है, जिनको इस गिफ्ट को पैम्पर करके रखना है, और इन्होंने मे बी पास्ट में वैल्यू नहीं की आपकी इस कनेक्शन की, बट अब ये करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और यहाँ पे क्या है, इस कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करना है, यहाँ पे मुझे एक मैसेज तो मिला है बट मैं श्योर नहीं हूँ, ये अभी मेरे को क्लैरिफाई चाहिए राम जी, क्या मैं मुझे अभी इसको देखते ही जो मैसेज मिला क्या वो सही है, जय सिया राम, यस वही है, बट यहाँ पे क्या है गाइज, एक दिक्कत है यहाँ पे, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये खुद को, मतलब यहाँ पे लोगों ने इनको जकड़ के नहीं रखा है, यहाँ पे इनके थॉट्स ने, क्योंकि ओवर थिंकिंग है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं और इतना ज़्यादा थिंक कर रहे हैं कि एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ थिंकिंग में जाता है इनका दिन, इनके रात, और यहाँ पे सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, स्ट्रेटजी भी प्लान कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक्शन नहीं दिखा मुझे। और यहाँ पे क्या है कि आपके पार्टनर के थॉट्स ने इनको ऐसे बांध के रखा है, इनको ऐसे लगता है जैसे ये कहीं बंधे हुए हैं, ये इनके पास एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा है कि हाँ अभी तो मेरा ये काम है, अभी मैं कैसे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, कैसे मैं एक्शन ले सकता हूँ ले सकती हूँ, अभी तो मेरी ये दिक्कत है, अभी तो मेरे वो दिक्कत है, बट एक्चुअल में ऐसा इतना कुछ है नहीं जितना ये सोच रहे हैं। देखिए आप ही देखिए, आपको मैं समझाती हूँ, ये जो कार्ड, इसमें ये लड़की है, ये यहाँ खड़ी दूर से इस ग्रीनरी को देख रही है, ठीक है, बटरफ्लाइज हैं, मतलब एक अच्छा सा, मतलब चाहे तो एक अच्छा सा फ्यूचर है,
अगर ये चाहे तो इस गार्डन, ये जो गेट है, इसको खोल भी सकती है, जा भी सकती है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिखाई दे रही है क्या बड़ी प्रॉब्लम? नहीं ना। बट ये खुद खुद नहीं जा रही, ये खुद एक्शन नहीं ले रही है, सिर्फ खड़ी खड़ी देख रही है। वाव, अगर मैं अंदर चली जाऊँ तो कितनी ग्रीनरी है, कितना कुछ है इसके अंदर, इस गेट के उधर की साइड। बट ये उधर की साइड जा ही नहीं रही, सिर्फ ये देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। यही आपके पार्टनर का हाल है, सिर्फ देख रहे हैं। और यहाँ पे देखो पट्टी बंधी हुई है, ये जितना ये जो स्वॉर्ड्स हैं, ये यहाँ पे ये थोड़ा कैद फील कर रहे हैं अपने आप को, बट ये कैद नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे सब खुला है, अगर चाहें तो आपके पार्टनर यहाँ से निकल तो सकते हैं, बट नहीं, ये निकलना, इनके थॉट्स इन पे इतने हावी हैं कि ये खुद हार मान के बैठे हैं। गाइस क्या बताऊँ अभी मैं, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया है अभी इसको देख के। अभी इसका इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, वैसे इन नियर फ्यूचर ये क्या एक्शन ले सकते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। बट यहाँ पे इस वक्त तो इनकी ये हालत है कि बस, हाँ मेरे को, मैं जानना तो चाहता हूँ बट मैं नहीं जा पा रहा वाली सिचुएशन में है। मतलब चाह कर भी, मतलब कर सकते हैं बट ये कर नहीं रहे। सो यूनिवर्स, आप तो सिर्फ इतना ही करें मेरे व्यूवर्स, गॉड से प्रेयर करें और इनको हिम्मत दें ताकि और ये एक्शन ले सकें। अभी एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, और यूनिवर्स भी हेल्प कर रहे हैं इनको समझने में, सॉरी इनको समझाने में कि आपको क्या करना है क्या नहीं। बट लेज़ी है, बहुत ज़्यादा लेज़ी है आपके पार्टनर। चलिए देखते हैं राम जी, इन नियर फ्यूचर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी तरफ से, क्या एक्शन एक्शन देखते हैं। करंट फीलिंग्स तो हमने देख ली, एक्शन देखते हैं। ओके एम्परर, सिक्स ऑफ फायर, टेन ऑफ अर्थ, एस ऑफ फायर। ओके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, आपके पार्टनर एक डिसीजन लेंगे अभी, इन नियर फ्यूचर आपके पार्टनर डिसीजन लेंगे इस कनेक्शन को। अभी इस कनेक्शन की जो लीड है अभी आपके पार्टनर करेंगे, इस कनेक्शन की बागडोर अभी आपके पार्टनर हाथ में लेने वाले हैं। और क्योंकि इनको सक्सेस चाहिए इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी आई है। मे बी आपके पार्टनर एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। सो आपके पार्टनर अभी इनको कैसे भी करके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेके, इन नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा, वो बोलते हैं ना, पैशनेट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक खिंचाव, एक पुल फील करेंगे, और जिसकी वजह से खुद को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनको चाहिए कि मुझे ये कनेक्शन चाहिए। एक सडनली इनकी एनर्जी में एक ऐसा शिफ्ट आएगा अचानक से कि बस बहुत हो गया, बहुत सोच लिया, अब मेरे को एक्शन लेना है, और तब ये एक्शन लेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। न्यू स्टार्ट आपको इनकी तरफ से, मतलब सडनली जब आप सोच भी नहीं रहे होंगे ना, तब आपके पार्टनर आपको टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे फायर ज़्यादा आया है, मिला है मेरे को, सो फायरी एनर्जी है। सो ऐसे आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। जब इनको खुद को भी नहीं पता होगा कि हाँ आज शाम तक मेरे को उसको कॉल करना है नहीं करना है, मतलब इतना प्लान नहीं करेंगे, सोचते तो हैं बट इतना प्लान नहीं करेंगे। लेकिन जब आपसे कांटेक्ट करेंगे ना, तब इनको खुद को नहीं पता होगा, सडनली बस फ़ोन जैसे हाथ में, जैसे फ़ोन है कुछ देख रहे हैं, सडनली आपका ख्याल आएगा, बस कर दिया टेक्स्ट। तो ये जो होगा अनएक्सपेक्टेड होगा। सो आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, आपको इनकी तरफ से कॉल या टेक्स्ट रिसीव होगा कुछ दिनों में, और कुछ लोगों के लिए एक दो हफ्ते के अंदर, बहुत जल्द होगा। सो गाइज, मैं अभी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेती हूँ, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे राम जी इनको। जय सिया राम। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो आपको क्या है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको पास्ट के बारे में सोच सोच के ऐसे रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है और पास्ट की बातों को याद नहीं करना है, खासकर उन बातों को जो आपको पास्ट की तरफ खींचती है। आपको आगे बढ़ना है, अगर कोई भी बात आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फील करते हैं किसी बात को याद करके, सो प्लीज़ उसको वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। अपने पास्ट को खुद पर हावी ना होने दें। नथिंग इज़ येट
सेट इन स्टोन, ठीक है। इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको पीछे नहीं जाना है, आपको पास्ट में नहीं जीना है, अभी आपको आगे की तरफ देखना है और आगे की तरफ बढ़ना है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस थी। सो गाइज, ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चेक किया, ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और भगवान से कनेक्ट रहिए। अभी जो हमारे बस की बात नहीं है ना, वो भगवान जी संभाल लेंगे, ये तो आप सभी को पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।